matram. So we have to start our next graph, linear graph. Okay, so आपका पेज नंबर 240 पर लीनियर ग्राफ है. सो आज हम लीनियर ग्राफ की स्टडी करेंगे. सो व्हाट इज़ लीनियर ग्राफ? अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंट कॉन्सिक्वेंटली. मीन्स जो लीनियर ग्राफ होता है वो एक लाइन ग्राफ ही होता है. लेकिन ये लाइन ग्राफ क्या कंसिस्ट करता है? ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट के बिट्स को जॉइन करता है. जैसे हम ये लाइन सेगमेंट मीन्स क्या होता है? जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. जैसे ये देखो, ये क्या है? लाइन सेगमेंट है. सो लाइन सेगमेंट मीन्स जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं. सो लीनियर ग्राफ में हम ऐसे ही लाइन सेगमेंट का यूज़ करके उनको जॉइन करके एक लीनियर ग्राफ तैयार करते हैं. अब लीनियर ग्राफ में समटाइम्स द ग्राफ मे बी अ होल अनब्रोकन लाइन. मीन्स समटाइम्स हम कभी कभी हमारे ग्राफ में क्या होता है कि ऐसी एक लाइन मेक होती है जो अनब्रोकन होती है, मतलब मीन्स ब्रेक नहीं होती है बीच में. ठीक है, जो लाइन ग्राफ हमारी ड्रॉ हुई थी अभी पिछले एग्जांपल में, जो हमने 15.1 में एग्जांपल लिया, कौन सा? फिफ्थ क्वेश्चन का. दो ग्राफ हमने ड्रॉ किए थे, उसमें हमने लाइन ग्राफ ड्रॉ किया था. तो उसमें हमने जो एक लाइन ऐसे ली थी, बराबर. सो जो ये लाइन है, अब ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ ब्रेक हो गई. अब ये जो क्या है, ये लाइन ग्राफ है. अब लीनियर ग्राफ जो होती है वो अनब्रेकन होती है, मीन्स ऐसे होती है. ठीक है, आप इसको मतलब ब्रेक नहीं कर सकते हो. इस तरह से उसकी लाइन होती है, इसीलिए इसको लीनियर ग्राफ कहते हैं. और ये इसकी लाइन कैसी होती है? अनब्रोकन. सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ. फिर से एक बात सुनो, अ लाइन ग्राफ कंसिस्ट ऑफ बिट्स ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइंट कॉन्सिक्वेंटली. समटाइम्स द ग्राफ मे बी अ होल अनब्रोकन लाइन. ओके, जिसमें अनब्रोकन लाइन होती है और जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करके बनता है, उस ऐसे ग्राफ को क्या कहते हैं? लीनियर ग्राफ. टू ड्रॉ अ सच अ लाइन वी नीड टू लोकेट सम पॉइंट्स ऑन द ग्राफ शीट. मीन्स अब हमें ऐसे लाइन को ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए होता है, किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है? कुछ पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है जो हमें ग्राफ शीट पे लोकेट करना पड़ता है. ठीक है, वी विल नाउ लर्न हाउ टू लोकेट पॉइंट्स कन्वीनियंटली अ ग्राफ ऑन अ ग्राफ शीट. अब हम देखेंगे कि ग्राफ शीट पे ऐसे पॉइंट्स कैसे लेने हैं जिससे लीनियर ग्राफ हमारा शो हो. ठीक है, सो लोकेशन ऑफ अ पॉइंट. अब पॉइंट कैसे लोकेट करना है, देखो. अब आपको एक एग्जांपल दिया है, द टीचर पुट अ डॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब टीचर ने क्या किया है, ब्लैक बोर्ड पे एक डॉट ड्रॉ किया है, एक डॉट लिया है. ठीक है, सो शी आस्क द स्टूडेंट हाउ दे वुड डिस्क्राइब इट्स लोकेशन. मीन्स इसने ब्लैक बोर्ड पे एक डॉट लिया है ए. ओके, तो वो टीचर पूछ रही है कि ये जो पॉइंट है ए, वो कहाँ ड्रॉ हुआ है, कहाँ है, ब्लैक बोर्ड के किस साइड है, ये स्टूडेंट को वो पूछ रही है, उसका लोकेशन पूछ रही है. तो आप देखो, नीचे कुछ स्टूडेंट ने उसका रिस्पांस दिया है. फर्स्ट स्टूडेंट ने दिया है कि डॉट डॉट इज़ इन द अपर हाफ ऑफ द बोर्ड. पहले स्टूडेंट ने क्या कहा कि जो डॉट है वो कहाँ है, ऊपर अपर हाफ ऑफ द बोर्ड. मीन्स ये हाफ पार्ट है और ये अपर पार्ट है, अपर पार्ट के हाफ पार्ट में क्या है, डॉट है. ऐसे पहले स्टूडेंट ने कहा. अब दूसरे स्टूडेंट ने क्या कहा है, द डॉट इज नियर द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. दूसरे स्टूडेंट ने कहा है कि बोर्ड के लेफ्ट एज में ये डॉट है. ठीक है, और थर्ड स्टूडेंट ने कहा है द डॉट इज वेरी क्लोज टू द लेफ्ट अपर कॉर्नर ऑफ बोर्ड. और तीसरी स्टूडेंट ने क्या कहा है कि ये जो पॉइंट है, ये जो डॉट है, वो कहाँ है, लेफ्ट के वेरी क्लोज है और अपर कॉर्नर पे है, अपर कॉर्नर पे है और लेफ्ट साइड के वेरी क्लोज है. अब देखो, इन तीनों ने जो आंसर दिए हैं, इन तीनों का आंसर यूज़ करके क्या हम इस पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि हमें इनके पता ही नहीं है कि वो ए पार्ट, मतलब ए जो डॉट है वो कहाँ है. उन्होंने तो सिर्फ हमें पोजीशन बताई है कि वो कहाँ है, लेकिन हमें
प्रॉपरली उसका लोकेशन नहीं पता है कि उसको हमें कहाँ ड्रॉ करना है, कहाँ पुट करना है. ओके, तो उसके लिए अब नीचे देखो, आपको बताया है कि जॉन देन गेव अ सजेशन. फिर एक जॉन नाम का लड़का है, उसने एक सजेशन दिया. उसने क्या किया, ही मेजर द डिस्टेंस ऑफ द डॉट फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड एंड सेड. उसने क्या किया, लेफ्ट साइड से बोर्ड को मेज़र किया. कहाँ तक, कहाँ तक मेज़र किया, ए पॉइंट ए डॉट तक मेज़र किया और डिस्टेंस मेज़र किया और कहा कि द डॉट इज 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द बोर्ड. मतलब जो ए डॉट है वो लेफ्ट साइड से कितने सेंटीमीटर पे है, 90 सेंटीमीटर पे है. ओके, सो इतना उसने बता दिया. अब हम, डू यू थिंक जॉन सजेशन इज रियली हेल्पफुल. क्या आप बोल सकते हैं क्या कि जॉन का सजेशन हेल्पफुल है? हाँ, हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम 90 सेंटीमीटर का डिस्टेंस देख के ड्रॉ, मतलब डॉट ए लेंगे, तो हम बराबर कह सकते हैं कि हाँ ये हमारा इस जगह पर फिक्स है. लेकिन अभी हमारा एक और बात बाकी है, अभी हमारा जो नीचे से इसकी लेंथ बाकी है, लेफ्ट साइड से हमें इसकी लेंथ मिल गई, अब हमें जो लोअर नीचे से इसका ऊपर तक का लेंथ बाकी है. तो हम क्या करेंगे, नीचे से उसका ऊपर तक का लेंथ लेंगे. तो रेखा ने वो बताया है हमें, रेखा एक स्टूडेंट है, उसने बताया है कि रेखा देन केम अप विद अ मॉडिफाइड स्टेटमेंट. फिर रेखा ने क्या किया, एक नया स्टेटमेंट बनाया. कौन सा स्टेटमेंट बनाया है, देखो उसने बताया है कि द डॉट इज 90 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज एंड 160 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज. मीन्स उसने क्या बोला है कि 90 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड से 90 सेंटीमीटर है और बॉटम साइड से 160 सेंटीमीटर है. अब हम इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. मीन्स हम पहले क्या करेंगे, नीचे से बॉटम से अपर साइड की ओर जाएंगे और देखेंगे 160 सेंटीमीटर कहाँ है और फिर हम इसका लेफ्ट साइड से 90 सेंटीमीटर के पास जाएंगे, फिर हमारा जो पॉइंट आएगा ए वो यहाँ लोकेट होगा. ओके, मीन्स दैट सॉल्व द प्रॉब्लम कम्प्लीटली. अब हमारा जो जो प्रॉब्लम था इस पॉइंट को ड्रॉ करने का, वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गया. अब देखो, अब टीचर क्या कहती है, वी डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ दिस डॉट बाय राइटिंग इट्स ई एज 90 160 सेंटीमीटर. विल द पॉइंट 160 90 बी डिफरेंट फ्रॉम 90 160. अब देखो यहाँ, अब टीचर ने कहा कि हम इसको लिखेंगे 90 160. ओके, 90 160 लिखेंगे, 90 और 60 160 लिखेंगे. लेकिन यहाँ देखो, हम 90 और 160 लिखेंगे. अब हमें बोला गया है, टीचर हमें पूछ रही है कि 160 और 90 और ये दोनों सेम है क्या. तो देखो, 90 मींस ये आता है वाई एक्सिस पे और ये आता है एक्स एक्सिस पे, और ये आता है एक्स एक्सिस पे, ये आता है वाई एक्सिस पे. ओके, सो हम जो ड्रॉ कर रहे हैं ये पार्ट हमारा एक्स एक्सिस पे ही होना चाहिए, ये हमारा वाई एक्सिस पे होना चाहिए. तो ये जो है ये रॉन्ग है, ये राइट है. ओके, सो मींस हम जब कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं, मींस हम जब पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो पहले हम एक्स एक्सिस के पॉइंट लेते हैं, फिर वाई एक्सिस के पॉइंट लेते हैं. इसके लिए हमारा कोऑर्डिनेट कैसे आता है, एक्स वाई. ओके, समझ में आया. और हम वाई एक्सिस को भी फर्स्ट लेके एक्स एक्सिस को बाद में ले सकते हैं, लेकिन हम हमेशा कैसे लेते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ही लेते हैं. वाई एक्स कोऑर्डिनेट में बहुत कम ड्रॉ होता है. ठीक है, सो मीन्स ये दोनों कैसे है, सेम हो सकते हैं, लेकिन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है. ओके, इतना आपको ध्यान में रखना है. मीन्स आप जो नंबर ले रहे हो उसको आपको ध्यान में रखना है कि आपको कैसे लेना है. ठीक है, एक्स एक्सिस का पहले लेना है या वाई एक्सिस का पहले लेना है. ठीक है, सो अब हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट, कि कोऑर्डिनेट क्या होता है. अभी जो मैंने आपको बताया एक्स एंड वाई, ये होता है कोऑर्डिनेट. अब देखो, ये होता है नंबर लाइन. ठीक है, अभी तक आपने नंबर लाइन कैसे देखा है, ऐसे ऐसे देखा है. ठीक है, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर वाला और ये होता है निगेटिव इंटीजर वाला. अब ये जो नंबर लाइन होता है,
ये होता है ऐसे, दिखाई दे रहा है सबको? ठीक है, सो ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, अब ये जो होता है, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स डैश एक्सिस, और ये होता है हमारा वाई डैश एक्सिस। ओके, सो इस पे यहाँ हमारा कौन से पॉइंट से पॉजिटिव, यहाँ भी हमारे कौन से पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव, कौन से पॉइंट्स होते हैं पॉजिटिव। अब यहाँ होते हैं निगेटिव, यहाँ भी कौन से होते हैं निगेटिव। ठीक है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। ओके, सो ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये एक एक क्वाड्रेंट होता है, इसको कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट, सॉरी क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, सो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आया है? तो यहाँ इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेट सीखेंगे। ओके, सो क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया है, कोऑर्डिनेट हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। ओके, वंदे मातरम।